बहुत आसान है, रेंज पकड़ लिया है और मैं बहुत अंदर बैठा हूँ, शटर बंद करके बैठा हूँ, देख सकते हैं आप। और इतने अंदर आके भी रेंज पकड़ लिया है, ये बहुत कमाल का जादू होगा एक सिंगल। हेलो दोस्तों, तो मैं हूँ आपका दोस्त चेतन और एक बहुत बड़ी समस्या लेके आया हूँ। दोस्तों मैं खुद प्रोजेक्ट बनाता हूँ और मेरे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। हम GSM यूज़ करते हैं, बहुत सारे GSM यूज़ करते हैं। मेरे अभी हाथ में सीमेंट 100 का और मेरे बहुत सारे वेस्टेज गए, तो आज मैं इसके ऊपर एक वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूँ। आपको भी प्रॉब्लम आती होगी दोस्तों, सीमेंट 100 है ना, बिल्कुल रेंज नहीं पकड़ता है बिल्कुल। YouTube पे जो वीडियो है वो पूरे क्या दिखाते हैं, सिम कार्ड डाला और रेंज पकड़ जाए, वैसा हमारा होता नहीं है। आपने भी प्रोजेक्ट बनाए होंगे, आपके साथ भी सेम वैसा ही हो। पर अभी मैं इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आया हूँ और ये आपको जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो पूरे YouTube पे कहीं पे नहीं मिलेगी। मैं पूरी तरह से सीमेंट 100 को पूरी तरह से रेंज में लाने वाला हूँ और ये मैं फुल वीडियो आपको दिखाने वाला हूँ, पूरा आउटपुट लेके आने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो इसको जो हम वोल्टेज देने वाले हैं वो हम इससे देने वाले हैं, ये मॉड्यूल है 2.96 वाला, मैं दिखा देता हूँ आपको। दोस्तों अगर आप कौन सा आर्डिनो यूज़ करते हो, ऊनो ऊनो नैनो, उससे उसको सप्लाई मत दीजिएगा दोस्तों। तो देखिए ये मॉड्यूल है 2.96 वाला, तो ये मॉड्यूल यूज़ करके हम इसको नेटवर्क में लाने वाले हैं और मैं पूरा आपको डेमो सामने दिखाऊंगा, पूरा एंड तक देखिए वीडियो पूरा। तो चलो दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ वीडियो को, ज़्यादा देर लेने वाला नहीं हूँ मैं। तो देखिए मैं अभी कनेक्शन के लिए स्टार्ट करता हूँ। हाँ तो देखिए दोस्तों अभी मैं क्या करता हूँ, पहले इसको इनपुट सप्लाई देता हूँ और यहाँ पे हमें पहले वोल्टेज सेट करना है। और कितना वोल्टेज सेट करना है ये मैं बता देता हूँ आपको, आप वीडियो में बने रहिए दोस्तों और स्टार्टिंग से बने रहिए। बीच में से देखोगे तो कुछ पता नहीं चलेगा आपको ये कैसे मैं ऑनलाइन लाने वाला हूँ। देखिए मैंने प्लस वायर प्लस को सोल्डरिंग कर दिया है इनपुट में। हाँ दोस्तों आउटपुट में हमारा GSM लगने वाला है। 2.96 मॉड्यूल के इनपुट में हमें 12 वोल्ट 9 वोल्ट 5 वोल्ट सप्लाई देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे वायर सोल्डरिंग की, क्योंकि मेरे को यहाँ पे एडेप्टर लगाना है, अगर मैं इन्हें सोल्डरिंग करता तो मेरे को एक कट करना पड़ता। तो अभी देखिए मैंने 12 वोल्ट और 1 एम्पियर का एक एडेप्टर लिया है, मैं आपके सामने पूरा लगाऊंगा, वीडियो में मैं कुछ अलग से नहीं करूँगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसको पावर कनेक्ट कर दिया है और पावर कनेक्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे इसको ऑन करता हूँ। अभी इसको लाइट चल गई है, अभी मल्टीमीटर रखता हूँ मैं दोस्तों, आपको डिस्प्ले दिखने के लिए मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ। देखिए डिस्प्ले दिख रहा है आपको, अभी मैं इसके आउटपुट में पावर चेक करता हूँ। तो कितना पावर आ रहा है, 10 वोल्ट आ रहा है। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इसको सेटिंग करने वाला है। देखो मैंने पोटेंशियोमीटर को सेट करने वाला हूँ, तो कितना वोल्टेज सेट करने वाला हूँ ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैं पोटेंशियोमीटर फिरा रहा हूँ, वोल्टेज तो कुछ कम नहीं हो रहा है। अभी मैं उल्टी तरफ घुमा के देखता हूँ क्योंकि अभी तक तो वोल्टेज कम नहीं हुआ है। देखो दोस्तों वोल्टेज कम हो रहा है, देखिए 8 वोल्ट, देखो अभी 8 वोल्ट हो गया। देखिए अभी मैं यहाँ पे कितना वोल्टेज सेट करना हो, देखिए ये बहुत बड़ी बात है, मैं यहाँ पे सेट करने वाला हूँ 4.5 वोल्ट। देखिए 4.5 सेट करना है हमें, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हाँ ओके दोस्तों, देखिए मेरा आउटपुट वोल्टेज 4.5 वोल्टेज है। ओके अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मल्टीमीटर में साइड में रख देता हूँ, मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है तो मल्टीमीटर साइड में रख दिया।
अभी मैं इसका स्विच ऑफ करने वाला हूँ और इसको मैं दो फीमेल की केबल सोल्डरिंग कर देता हूँ, एक लूंगा रेड और एक लूंगा ब्लैक, ये मेरे को समझने में दिक्कत नहीं है। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे छील लिया है, अभी ये मॉड्यूल को मैं यहाँ से कनेक्शन छुड़ा देता हूँ और देखिए मैं अभी इसको सोल्डरिंग मशीन से क्या करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव आउटपुट की नेगेटिव को ब्राउन लगा दिया और आउटपुट पॉजिटिव को रेड लगा दिया। देखिए दोस्तों मैंने कनेक्शन कर दिया है, अभी मैं जीएसएम पहले हाथ में लूंगा और यहाँ पे वोल्टेज का कहाँ पे सिंबल दिख रहा है दिखता है। देखिए दोस्तों वीसीसी यानी ये दो नंबर का वीसीसी है, वीसीसी यानी मेरा रेड कलर का वायर वीसीसी को लग गया और ग्राउंड यानी मैं आखिरी, हाँ ये देखिए दोस्तों दिख रहा है कनेक्शन आपको। अभी मैंने इसमें सिम कार्ड स्लॉट नहीं किया है, अभी मैं क्या करता हूँ इसको पावर दे के रखता हूँ, लाइट चालू होती है। देखिए दोस्तों इसको लाइट चमकने लग गई, अभी हम क्या करेंगे इसमें सिम कार्ड डालेंगे। मैं क्या करता हूँ मेरा फोन आपके सामने, मैं सिम कार्ड भी आपके सामने निकाल के डालूंगा इसमें। देखिए दोस्तों मैं सिम कार्ड का स्लॉट ओपन कर रहा हूँ, अभी देखिए एयरटेल का सिम मैं रख दे रहा हूँ बाजू में, अभी इसको हमें एक स्लॉट लगेगा, मैंने वो भी अरेंज करके रखा है यहाँ पे। देखिए ये वाला माइक्रो का जो स्लॉट है वो लगने वाला है इसको, अभी मैंने इसमें सिम कार्ड अलर्ट कर दिया है। देखिए दोस्तों तो आप बहुत खुश होने वाले हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया काम किया है मैंने आज, तो इसमें मैं सिम कार्ड स्लॉट कर देता हूँ। देखिए अभी मैंने इसमें सिम कार्ड लगा दिया, अभी मैं पावर ऑन कर देता हूँ, पहले मेरा सिम कार्ड नेटवर्क पकड़ता है कि नहीं वो देखता हूँ। सिम कार्ड कैसे नेटवर्क पकड़ेगा मैं बताता हूँ, जो लाइट हमारी फास्ट ब्लिंक करती है वो 3 सेकंड बाद अगर ब्लिंक करने लगे तो मान लीजिए कि जीएसएम ने आपकी सिम कार्ड को ये पकड़ लिया है। ओके तो अभी मैं क्या करता हूँ चालू करता हूँ, देखिए दोस्तों अभी लाइट चमक रही है क्या, देखो चमक रही है, अभी एकदम फास्ट चमक रही है यानी नेटवर्क पकड़ गया नहीं है। देखो दोस्तों अभी मैं तुम्हें इसका मेन पॉइंट बताने वाला हूँ, ये पकड़ जो रास किसी को नहीं पता वो रास मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से स्विच ऑफ कर देते, यहाँ से जान से देखे दोस्तों, यहाँ से अगर आपने मिस कर दिया तो आपका कोई काम में नहीं आएगा। अभी जो ये एंटीना का दिख रहा है, एंटीना का जो व्हाइट कलर का, वो क्या करने वाला हूँ मैं यहाँ से हटा देने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे गन पकड़ा है, देखिए यहाँ से मैंने क्या कर दिया, एंटीना का स्लॉट ही मैंने हटा दिया। अभी देखिए यहाँ पे एक ये दिख रहा है, देखिए बीच वाला पॉइंट, उधर हम क्या करेंगे एक सिंगल स्टैंड का वायर लेंगे। रुकिए दोस्तों अभी देखिए मैंने सिंगल स्टैंड का इतना छोटा टुकड़ा लिया है और मैं इसको स्क्रू ड्राइवर पे ऐसे ये कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों ये मैंने बना दिया, अभी मैं इसको क्या करने वाला हूँ इसको प्रॉपर शेप में लेके आता हूँ और यहाँ से छील लूंगा मैं इसको। और देखिए दोस्तों सिर्फ इतना ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। अब मैं इसको क्या करूंगा सोल्डर मशीन से जीएसएम के, देखिए ये वाला पॉइंट है मैंने आपको बताया था, रुकिए वायर में कनेक्शन छुड़वा देता हूँ और ऐसे रखता हूँ मध्य यानी आपको दिखेगा। देखिए ये वाला पॉइंट है, इंसल्ट नहीं हो रहा है थोड़ा सा, अभी मैंने लगा दिया। अभी हम क्या करेंगे वापस एक बार पावर देंगे, अभी देखिए दोस्तों मैंने लगा दिया है वीसीसी और जीएनडी, अभी मैं पावर ऑन कर देता हूँ। देखिए दोस्तों लाइट जलने लगा है, देखिए दोस्तों 1 मिनट, देखिए इसको लाइट ब्लिंक होने लगा है पर अभी तक नेटवर्क नहीं पकड़ा है, जब नेटवर्क पकड़ लेता है तब स्लो लाइट डिम होती है। तो देखिए दोस्तों मैं अभी वेट कर लो, देखिए दोस्तों तो अभी इसने नेटवर्क पकड़ लिया है, देखिए और कुछ यूज नहीं किया इसमें, देख सकते हैं आप सिर्फ एक सिंगल स्टैंड की वजह से इसने नेटवर्क पकड़ लिया है। देखिए दोस्तों और ये बहुत आसान सा प्रोजेक्ट हो गया है दोस्तों, मतलब ये जीएसएम आप
कौन से भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। एकदम इसने देखिए एकदम रेंज पकड़ लिया है। देखिए अभी दोस्तों मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा इस यही GSM कनेक्ट करके Arduino कनेक्ट करके मैसेज वाला कोड बना के दिखाऊंगा मैं आपको। तो देखिए दोस्तों बहुत आसान है, रेंज पकड़ लिया है और मैं बहुत अंदर बैठा हूँ, शटर बंद करके बैठा हूँ, देख सकते हैं आप। और इतने अंदर आके भी रेंज पकड़ लिया है, ये बहुत कमाल का जादू होगा एक सिंगल स्टैंड ने कर दिया है। तो आप भी फ्रेंड जरूर ट्राई कीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये सक्सेस है वाला ट्रिक है क्या नहीं है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।